हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके लिए हमें एक स्टैंड और 3 टेस्ट ट्यूब इसमें हम फनल की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी भरेंगे। अब इसके लिए हम 3 फूड कलर का यूज करेंगे। ये हमारा येलो कलर, ये हमारा रेड फूड कलर और ये हमारा ब्लू फूड कलर। तो हम फर्स्ट वाले में ब्लू फूड कलर डालेंगे 2 बूंद। ये देखिए, और दूसरे वाले में रेड कलर 2 ड्रॉप्स। और तीसरे वाले में येलो कलर 4 ड्रॉप्स। अब इन तीनों का कलर एक स्टिक की मदद से इसे हम मिलाएंगे, जो कि ये वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाए। रेड कलर अब हम रेड वाले में ब्लू कलर डालेंगे, रेड वाले में ऑरेंज कलर डालेंगे। और स्टिक की मदद से इसे मिक्स करेंगे। और ब्लू वाले में रेड कलर यूज करेंगे। ये जो हमारा है ये कुछ पर्पल बैगनी कलर हो गया है, एंड रेड वाला जो है ये ऑरेंज कलर में हो गया है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर हल्का सा दिख रहा है कि ये हमारा ऑरेंज कलर में हो गया और ये हमारा बैगनी कलर में हो गया है। ये ऊपर दिख रहा है हल्का सा, बिकॉज लाइट होने की वजह से स्पष्ट नहीं दिख रही है, बट कुछ ऊपर हल्का हल्का दिख रहा है कि ये हमारा ब्लू कलर जो था ये पर्पल में चेंज हो चुका है। और
हम येलो कलर में अब ब्लू कलर का यूज करेंगे। ये जो है हमारा ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। ये हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये हमारा ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है। ये हमारा पर्पल और ये हमारा ऑरेंज हो चुका है। हल्का सा ऊपर दिख रहा है कि ये अब ये हमारा ऑरेंज हो चुका है जो रेड कलर था। अब रेड कलर को हम इस में मिक्स करेंगे बैगनी कलर में। लाइट की वजह से स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि ये कौन सा कलर हो रहा है। बस इसका कलर चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, आपने देखा इस प्रकार से हमारा जो प्रिंटर होता है उसमें जो 3 से 4 कलर ही डाला जाता है, ये उन्हीं कलर का यूज करके और उनका मिक्स करके एक नया कलर बनाता है जो हम चाहते हैं उस कलर में चेंज करता है। इस प्रकार से हम 3 से 4 कलर का यूज करके ऑल टोटल सभी कलर को बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।